क्या आप जानते हो कि दुनिया में बहुत सी रिसर्च हुई है जिसमें कुछ समझदार लोग इस बात को बड़े ही स्ट्रॉन्गली तरीके से कहते हैं कि अगर आप कुछ दिनों का जैसे 30 दिनों का चैलेंज अपने आप को कुछ करने के लिए अगर दे देते हो तो इसके जरिए आप अपने अंदर बहुत सी आदतों को डेवलप कर सकते हैं और आप इन दिनों में कोई खास तरह की आदत को डेवलप करने का चैलेंज अगर अपने आप को देते हैं तो फिर आपको आपकी यही आदतें अपने तरीके से डेवलप करेंगी और आपकी लाइफ तब इन आदतों के अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड करने लगेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टाइम जो ये लोग किसी आदत को डेवलप करने का 21 दिन या 30 दिन का बताते हैं, यह किसी के लिए बहुत कम भी हो सकता है और किसी के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से यह टाइम इंसान की उम्र के हिसाब से ही हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जितना छोटा होता है वह उतना ही जल्दी किसी आदत को बना सकता है और जो जितना ज्यादा उम्र में बड़ा होता है उसको किसी आदत को डेवलप करने में उतना ही ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बहुत सी जानकारी और उलझने भी उन इंसानों की बढ़ जाती है जो अपने आप को सही तरह से मैनेज करके चलना नहीं सीख पाते हैं। इसलिए आज जानेंगे कि कैसे आप अगर सिर्फ अपने आप को लगभग 30 दिनों का या उतने ही दिन का चैलेंज कुछ अचीव करने का देते हो, जितने साल के आप अभी हो तो आप बहुत कुछ अभी भी अचीव कर सकते हैं, और जिसको लगता है कि उनकी उम्र कुछ ज्यादा है तो आप उतने ही ज्यादा काम अचीव करने का प्लान इन दिनों में बना सकते हैं। इसलिए अगर आप भी ये चैलेंज अपने आप को देते हैं तो आपके साथ क्या क्या होगा और कैसे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी, आज इसी के डीप सीक्रेट्स को जानेंगे। इसलिए जैसे ही आप अपने आप को ये चैलेंज देते हो तो आपके साथ जो सबसे पहला काम होगा वह यही कि आप अपने लिए एक या कई सारे कीमती गोल डिसाइड कर जाओगे, और इन गोल्स में एक बात सबसे खास यह होगी कि आप अभी के टाइम की जरूरत के हिसाब से ही अपने आप को टारगेट दे पाओगे, क्योंकि आपके सामने एक टाइम की डेडलाइन भी होगी और उसके हिसाब से ही आप अपनी क्षमता के अनुसार गोल्स आदि सेट कर पाओगे। वरना जब आप बिना इस चैलेंज के अपने लिए गोल्स बनाओगे तो आप हो सकता है कि अपने लिए एक साल के या पाँच साल के या दस साल तक के गोल सेट कर डाले, लेकिन वे ज्यादातर कोरी कल्पना ही रह जाते हैं, और ये सब आप अच्छे से जानते ही होंगे अगर आपने भी कभी बहुत लंबे समय का गोल अपने लिए सेट करने का काम किया होगा, क्योंकि इंसान का दिमाग बड़ा ही दोगला रोल इंसान की लाइफ में निभाता है और इसका परिचय आपको अपने गोल्स को लिखते वक्त तो जरूर ही मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने लिए गोल्स आदि सेट करने के लिए तैयार होकर बैठते हो और उनको लिखते हो तो उस समय आपका दिमाग दूसरे नंबर पर होता है और आपकी सोल या कोई बड़ी पावर आपको अपने गोल्स आदि लिखने के लिए मजबूर करती है, और जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो तब आपका दिमाग कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जब आप इस काम को कर लेते हैं तो यही आपका दिमाग उन सब गोल्स के टारगेट को ही आपके दिमाग से बाहर निकाल देता है और आप फिर वह सब कुछ भूल जाते हैं जो आपको करना था, क्योंकि आप ही इस माइंड को ऐसा करने का मौका देते हो और ऐसा आप इसको एक पाँच या दस साल का टाइम देकर करते हो, क्योंकि यह आपको पूरी तरह से निश्चित कर देता है कि आपके पास बहुत सा टाइम अभी बाकी है और आप अपने टारगेट्स को जब मर्जी पूरा कर सकते हैं, और ऐसा सोचकर ही आप अपने ही बनाए गए टारगेट्स के बारे में सब कुछ भूल जाते हो। इसलिए जैसे ही आप ये 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो आपका टाइम इतना शॉर्ट हो जाता है कि आपके दिमाग को इसको टालने का इतना मौका नहीं मिलता है और यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि कुछ ही दिनों की तो बात है और यह अपने ही जाल में फंस जाता है, और ना ही आपका दिमाग आपको इस तरह के बहाने बनाने का मौका देता है जैसा कि तब होता है जब कोई इंसान सुबह उठकर अपने आप को एक दिन का टारगेट देता है, क्योंकि एक दिन के टारगेट देने पर इंसान केवल पहले एक दो काम तो कर जाता है मगर बाकी के काम कल पर बड़ी आसानी से टाल देता है और फिर से आने वाले कल का इंतजार करने लगता है। इसलिए आपका टारगेट कम से कम 30 दिन का तो होना ही चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपके दो चार दिन अगर टाल मटोल में निकल भी जाएं तो भी आपके पास अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए 25-26 दिन तो बचे ही रहें और आप अपने आप को यह टाइम बीत जाने के बहाने में ना फंसा सके। इसलिए अब अगर दूसरे काम की बात करें तो जो कि आपके साथ इस चैलेंज को लेते ही होना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देता है, तो वह यही है कि जब आप अपने आप को 30 दिनों के अकॉर्डिंग टारगेट्स दे देते हो तो आपको अपने टाइम को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना ही पड़ता है और आप अपने टाइम को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करना सीख जाते हो, और जो इंसान अपने टाइम को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करना सीख जाता है वह इस दुनिया की उस ताकत पर विजय पाने की कोशिश करने लगता है जो उसको अपने इशारों पर उसके ही दिमाग की मदद से नचाता रहता है, और इसी टाइम को मैनेज करने के चक्कर में ही जो अगला काम किसी के साथ होने लगता है वह यही है कि ऐसा इंसान अपने लिए अपनी ही मर्जी से एक अर्जेंसी अपने लिए क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से ही वह अपने दिमाग में कोई भी झूठी या सच्ची अर्जेंसी क्रिएट करना सीख जाता है। और रही बात अर्जेंसी क्रिएट करने के फायदों की, तो इंसान का दिमाग जितना फोकस्ड किसी अर्जेंसी के समय किसी चीज पर होता है वह शायद ही ऐसा किसी दूसरी सिचुएशन में कर पाता है।
इसलिए माइंड को पूरी तरह से फोकस करने के लिए भी अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत होती है। और जब अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है तो जो काम सालों में होने वाले होते हैं वे कुछ ही दिनों में अपने अंजाम तक उसी इंसान के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं जो उनको सालों तो डिसाइड करने में ही लगा सकता था कि ये काम किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, या इसको पहले करें या बाद में, बस इसी कभी ना खत्म होने वाली चीजों में वह बिजी रह सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपने खुद भी कई बार किया होता है, जैसे कुछ महान स्टूडेंट तब तक किसी भी एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हो पाते हैं जब तक उनको एग्जाम की डेट ही पता नहीं चल जाती है, और अगर ये एग्जाम की डेट काफी लंबी हो तो भी वे निश्चित हो जाते हैं, मगर जैसे ही एग्जाम का टाइम पास आने लगता है तो सारे स्टूडेंट का दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस होने लगता है, क्योंकि इस समय माइंड में एक तरह की अर्जेंसी इस एग्जाम डेट के कारण ही पैदा हो जाती है। और यहीं से एक और बड़ा सफलता का क्लू इंसान को मिलता है कि जो इंसान अपने दिमाग को झूठी अर्जेंसी किसी भी समय में देना सीख सकता है वह टाइम से पहले ही किसी भी एग्जाम की पूरी तैयारी भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको इस अर्जेंसी को क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए 30 दिनों की चैलेंज वाली टेक्निक भी किसी के लिए काफी काम की साबित हो सकती है। इसलिए अब अगर अगले काम की बात करें जो कि आपके साथ इस चैलेंज को लेते ही होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना शुरू कर देता है, तो वह यही है कि शुरुआत में तो आपका दिमाग और शरीर आपकी इस इच्छा को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर देगा जो भी आपने अपने लिए तय की होगी, और ऐसा ये आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते ही कुछ ही घंटों बाद करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी विल पावर के चलते इस पर अड़े ही रहते हैं तो आपको बिल्कुल सही से एक कीमती प्रोसेस समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप जो डिसाइड करते हैं वह आपका दिमाग डिसाइड नहीं करता है, लेकिन बाहर से देखने पर तो हमें यही नजर आता है कि हमारा दिमाग ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है, जबकि इस टाइम आपके दिमाग का यूज कोई और ही बड़ी पावर कर रही होती है जिसको हम अपनी सोल के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर यहाँ आपका दिमाग ही ये सब कुछ डिसाइड करने वाला होता तो फिर वह उसको बदलता ही क्यों, और जब तक दिमाग आपका साथ इस काम को करने में नहीं देगा तो आपकी बॉडी तो कुछ भी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी तो आपके दिमाग के हाथों की कठपुतली है। इसलिए अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको बॉडी माइंड और सोल के संबंध में बिल्कुल सही से समझ आना शुरू हो जाएगा, और यह भी आपको सही से समझ आ जाएगा कि कैसे आप इन तीनों की मदद से कोई भी काम पूरा कर सकते हो, और साथ ही आप इन तीनों की मदद से अपने इस चैलेंज को भी बड़ी आसानी से पूरा भी कर जाओगे। और जब आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन और काम करने के तरीकों को समझ रहे होंगे तो आपको पहली बार एक चीज महसूस होगी कि आप खुद के बॉस बनने की फीलिंग को फेस करेंगे, और यही वह चीज होती है जहां से किसी के वन मैन आर्मी बनने की शुरुआत होती है, और इसके बाद ही कोई इंसान अपने अंदर वह चीज महसूस कर पाता है कि वह भी वह सब कुछ सही से कर सकता है जो भी उसका दिल उसको करने और अचीव करने के लिए कहता है। और वह अचीव करने वाली चीज क्या हो सकती है वह हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग ही हो सकती है, और हो क्या सकती है ज्यादातर केस में अलग ही होती है, क्योंकि माना कि हर इंसान को वे ही सारी चीजें चाहिए होती हैं जो कि दूसरे को चाहिए होती है, लेकिन इन सब चीजों को पाने का टाइम हर किसी के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अभी किसी को कुछ चाहिए तो दूसरे को अभी कुछ और चाहिए हो सकता है। इसलिए अब अगर अगले काम की बात करें जो कि आपके साथ इस 30 दिन के चैलेंज को लेते ही होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना शुरू कर देता है, तो वह यही है कि आप चाहे तो इन दिनों के बीच में एक या एक से अधिक आदतें अपने लिए डेवलप कर सकते हैं, जिसकी बदौलत वे सारी आदतें तो आपके अंदर आ ही जाएंगी अगर आपने पूरी शिद्दत से उनको अपने अंदर लाना चाहा होगा। लेकिन अगर आप अपने लिए गए इस चैलेंज को पूरा कर जाते हैं तो आपके अंदर एक कीमती कॉन्फिडेंस वाली आदत तो जरूर आ ही जाएगी कि आप भी अगर किसी भी चीज को अचीव करने को चैलेंज के रूप में ले लेते हो तो आप भी उसको अचीव करने का दम अपने अंदर रखते हो, और ये कॉन्फिडेंस वाली हैबिट इतने काम की है कि अकेली यही हैबिट भी इतना दम अपने आप में रखती है कि किसी भी इंसान की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। और इसके साथ ही एक और चीज आपके साथ इसी समय होने लगती है कि जब आप किसी चैलेंज को सही से पूरा करने लग जाते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी इच्छा और भी जागृत हो जाती है कि आप अपने लिए और ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करने के आदी होने लगते हो, और आप जितने ज्यादा चैलेंज अपने लिए सेट और अचीव करते जाते हैं उनकी सक्सेस ही आपको और ज्यादा पाने का कॉन्फिडेंस, दम और समझ आदि सब कुछ देती रहती है, और इसी के दम पर आप जितने ज्यादा चैलेंज अपने लिए लेते रहते हैं उतनी ही तरक्की आप करते जाते हैं।
और दूसरी बात यह कि अगर आप एक या दो बार भी अपने इस एक्सेप्ट किए गए चैलेंज वाले टारगेट्स को सही से पूरा कर लेते हो तो आपको फिर इसको हमेशा ही पूरा करने की आदत सी लग जाएगी, क्योंकि जब तक आप अपने लिए गए चैलेंज को पूरा नहीं करते हो तो तब तक आपको चैन सा महसूस ही नहीं होगा। और जब ऐसा किसी के साथ होने लगता है तो इसके भी बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं कि ऐसे लोग अपने आप को इस बेकार की चिंता से बचाने के लिए कि उनको इन सेट दिनों में कोई खास काम करना है तो वे इन सारे कामों को सेट टाइम से भी पहले ही कर जाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और काम करने की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है। और जब किसी के साथ ऐसा होने लगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे इंसान की लाइफ कितनी तेजी से चेंज हो सकती है, और कमाल की बात वो भी उसकी इच्छा के ही अकॉर्डिंग। इसलिए अब अगर अगले काम की बात करें जो कि आपके साथ इस चैलेंज को लेते ही होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देता है, तो वह यही है कि आपको एक और कीमती चीज इसी प्रोसेस के बीच में समझ आएगी कि हर इंसान के पास हर दिन टाइम तो वही 24 घंटे का होता है, लेकिन उसी टाइम में कैसे कोई बहुत ज्यादा अचीव कर जाता है और कैसे कोई कुछ भी अचीव करने के बजाय वह भी गवा देता है जो उसके पास होता है। क्योंकि जो जितने ज्यादा की डिमांड अपने चैलेंज में करता जाता है उसको उसकी डिमांड और कैपेसिटी के हिसाब से यह प्रकृति भी और ज्यादा अपग्रेड करती जाती है, जिससे वह अपने सेट किए गए चैलेंज को सही से अचीव कर सके। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो जब भी कोई इंसान अपने आप को यह 30 दिनों का चैलेंज देगा तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसकी बहुत सी बुरी आदतें इन्हीं 30 दिनों के अंदर अच्छी आदतों में बदल ही जाएंगी। और वे बुरी आदतें कैसे अच्छी आदतों में बदलेंगी, कुछ के उदाहरण आप इस वीडियो में समझ ही चुके हैं, और बाकी के चेंज आप खुद ही अपने अंदर तब महसूस करोगे जब आप इस चैलेंज को खुद के लिए एक्सेप्ट कर लोगे। तो अब देर किस बात की, आप भी अपना मनचाहा चैलेंज अगले 30 दिनों के लिए एक्सेप्ट कीजिए, और इसकी शुरुआत इस वीडियो को दूसरों के साथ अभी शेयर करने के चैलेंज के साथ ही शुरू कीजिए, क्योंकि यह काम आपको एक चैलेंज को तो अभी एक्सेप्ट करने और उसको अभी ही पूरा कर लेने की अच्छी फीलिंग देगा ही देगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।